सुसनेर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुसनेर से निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण पर है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 4 दिसंबर को आगर से सुसनेर में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भैरू सिंह परिहार बापू ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसंबर को आगर जिले में पदयात्रा होगी। रात्रि विश्राम काशी बर्डिया में होगा व 4 दिसंबर को यात्रा महुड़िया से प्रारंभ होकर सुसनेर होते हुए अन्नपूर्णा ढाबा के पास पहुंचेगी, जहां पर रात्रि विश्राम होगा। 5 दिसंबर को पीपलिया बालाजी मंदिर डोंगरगांव होते हुए राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी, जहां पर मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यात्रा का स्वागत करेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह राजस्थान में भी यात्रा के साथ रहेंगे और कमलनाथ वापस मध्य प्रदेश लौट जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी, आज दिसंबर की 4 तारीख को हमारी सुसनेर विधानसभा में उनका प्रवेश है। उसी को लेकर हम गांव-गांव में संदेश देकर और चौपाल के माध्यम से जनता के अंदर ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्वागत हम करें कि आदरणीय राहुल गांधी जी 3,500 किलोमीटर की जो यात्रा आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं और जिस तरीके से लाखों जनता हर प्रदेश के अंदर उनका स्वागत कर रही है, उसी के संदर्भ में हम गाँव का स्वागत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, माननीय राजा दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर उनका भव्य स्वागत करने में जुटे हुए हैं।